भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यानी हम लोग गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन हमारे भारत का संविधान नहीं था। आजादी के 3 साल के बाद हमारे भारत का संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान लागू किया गया। इसी दिन हमारे भारत का संविधान मिला। बिना संविधान का कोई देश नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा भारत गणतंत्र देश बन गया। इसी ऐतिहासिक शुभ अवसर के दिन 75वां सालगिरह है। इसी के शुभ अवसर पर मैं प्रिंस सिंह देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो भयंकर गरीबी और निछारता में फंसा हुआ था, लेकिन 7 दशकों के मेहनत के बावजूद आज हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है। हमारा देश विकसित देशों के लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था की हालात खराब हो गई थी और हमारे भारत का भी अर्थव्यवस्था में काफी क्षति पहुंची, लेकिन संघर्ष के दम पर बेहद कम समय में मंदी से बाहर आ गए और फिर अपनी विकास यात्रा को शुरू किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों से सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कृषि चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता पर एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत के तीनों सेना, नौसेना, थल सेना, वायु सेना शामिल होते हैं और सेना की ताकत दिखती है। आज हमें अपराध, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। भारत को जब तक इस समस्या से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। इसके अलावा अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखकर भारत सरकार के स्वच्छ अभियान से जुड़ना चाहिए। फिर से आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।